हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आहूजा के TZA 4000 DP एम्पलीफायर के बारे में। दोस्तों, ये जो एम्पलीफायर आया हमारे पास, ये एम्पलीफायर फुल शॉर्ट था। दोस्तों, ये जो एम्पलीफायर है दो चैनल का है, पर चैनल इसका 200 वाट का है। दोस्तों, इस एम्पलीफायर के अंदर क्या क्या चीज़ ख़राब था, किस किस चीज़ों को मैंने चेंज किया, पूरी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम था और कैसे आप अपने घर पर इसको रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इस एम्पलीफायर के अंदर असल दिक्कत क्या था जिसकी वजह से यह एम्पलीफायर शॉर्ट हुआ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और बेल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो एम्पलीफायर मेरे पास आया, सबसे पहले मैंने इसको सीरीज बोर्ड में लगाया। सीरीज बोर्ड में लगाने के बाद इस सीरीज बोर्ड को जैसे ही ऑन किया, इसका जो सीरीज बोर्ड का जो बल्ब है वो बिल्कुल ग्लो हो गया। फिर दोस्तों, यानी बिल्कुल शॉर्ट बता रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर दो ट्रांसफार्मर के तार गए होते हैं और दो तार जो हमारे सप्लाई बोर्ड में आए हुए होते हैं, डीसी प्लस और डीसी माइनस, ठीक है। तो डीसी प्लस और डीसी माइनस की तार को मैंने खोल दिया, उसके बाद मैंने अपने सीरीज बोर्ड में लगाया, फिर भी शॉर्ट दिखा रहा था। तो इससे हमें ये पता चला कि इसका ब्रिज रेक्टिफायर जो है शॉर्ट है। तो फिर मैंने इस ब्रिज रेक्टिफायर को चेंज कर दिया, फिर मैंने अपने सीरीज बोर्ड के अंदर लगाया, फिर भी एम्पलीफायर शॉर्ट दिखा रहा था। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, अगर आप स्किप कर देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि इसको एम्पलीफायर को कैसे रिपेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग करना, क्योंकि अगर आप एक बात सुन लेंगे दूसरी बात को नहीं सुनेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे भाई का ये शिकायत होता है कि हम एम्पलीफायर तो रिपेयर कर देते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद फिर कस्टमर हमारे पास दोबारा आता है कि एम्पलीफायर ख़राब हो गया। तो वो क्या कारण होता है, वो भी चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, मैंने ब्रिज रेक्टिफायर चेंज करने के बाद फिर भी चेक किया, फिर भी शॉर्ट दिखा रहा था। तो फिर मैंने इस चैनल के ड्राइवर बोर्ड को खोला, तो ड्राइवर बोर्ड के अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, 3055 के दो ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं और एक 7818 के एक ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। तो इसमें 7818 का जो ट्रांजिस्टर था वो बिल्कुल ओके था, बिल्कुल सही था, लेकिन 3055 का जो ट्रांजिस्टर था ये शॉर्ट हो चुका था। फिर मैंने 3055 के ट्रांजिस्टर को चेंज किया, फिर मैंने सीरीज बोर्ड के अंदर लगाया, फिर भी शॉर्ट दिखा रहा था। फिर मैंने 3055 के आगे लगे हुए डायबोर्ड को चेक किया, तो डायबोर्ड भी शॉर्ट था। जब वहाँ पर जो डायबोर्ड लगता है 4007 का डायबोर्ड लगता है दोनों ट्रांजिस्टर के पास। फिर मैंने दोनों डायबोर्ड को चेंज किया, फिर सीरीज बोर्ड के अंदर लगाया, फिर भी ये शॉर्ट दिखा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों, फिर मैंने जो ड्राइवर बोर्ड से सप्लाई जा रही है ट्रांजिस्टर पावर ट्रांजिस्टर की तरफ, एक पतला सा वायर जाता है जो कलेक्टर में डायरेक्ट ज्वाइन होता है, तो मैंने कलेक्टर से उस वायर को निकाला। मतलब ड्राइवर बोर्ड से एक वायर जाता है जो ट्रांजिस्टर के बिल्कुल कलेक्टर पॉइंट पे लगता है सप्लाई के लिए, ठीक है। तो मैंने उस वायर को निकाला, फिर मैंने चेक किया तो इसके अंदर तो शॉर्टिंग जा चुका था। तो इससे हमें ये पता चला कि जो इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इस चैनल में, वो ट्रांजिस्टर ख़राब है। फिर मैंने बारी बारी से सब ट्रांजिस्टर को चेक किया, इसके अंदर चार ट्रांजिस्टर लगे थे तो चारों के चारों ट्रांजिस्टर शॉर्ट थे। फिर मैंने इसके ट्रांजिस्टर को चेंज कर दिया और फिर मैंने इसको चेक किया तो ये बिल्कुल सही हो चुका था और ये एम्पलीफायर चलने के लिए तैयार था। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये होता है कि जब हम एम्पलीफायर रिपेयर कर देते हैं फिर वो कुछ दिन के बाद ख़राब क्यों हो जाता है। दोस्तों, उसका रीज़न एक ही है, जैसे हम किसी भी एम्पलीफायर का पावर ट्रांजिस्टर चेंज करते हैं तो क्या होता है कि किसी भाई के पास, जैसे एम्पलीफायर के अंदर 2S52 ट्रांजिस्टर लग गया, लेकिन किसी भाई के पास TTC 5200 ट्रांजिस्टर है, तो क्या करते हैं उस ट्रांजिस्टर को लगा देते हैं। तो उससे फ़र्क ये होता है कि हर कंपनी का एक अपना फ्रिक्वेंसी होता है, उसी फ्रिक्वेंसी पे वो काम करता है। तो दोनों कंपनी का जब अलग अलग ट्रांजिस्टर होता है तो दोनों ट्रांजिस्टर का जब फ्रिक्वेंसी होता है वो अलग अलग हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि कुछ दिन हमारा एम्पलीफायर चलने के बाद फिर कोई दूसरा ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप ट्रांजिस्टर को चेंज करें, अगर दूसरी कंपनी का लगा रहे हैं तो सारे के सारे ट्रांजिस्टर चेंज कर दें, ताकि वो एक ही लेवल का और एक ही फ्रिक्वेंसी का सारे ट्रांजिस्टर हो जाए, ताकि जो आपका एम्पलीफायर जो है वो आगे चल कर ख़राब ना हो और जो आपका कस्टमर है वो शिकायत ना करें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, ये है दूसरा फ़र्क, ये होता है कि हम कोई भी ट्रांजिस्टर लगाते हैं वो अलग लॉट का हो जाता है,
कंपनी जो ट्रांजिस्टर लगा के देता है वो लॉट बाय लॉट लगा के देता है, लेकिन हम क्या करते हैं जो ट्रांजिस्टर ख़राब होता है सिर्फ उसी ट्रांजिस्टर को चेंज कर देते हैं, तो इसमें भी हमारा फ्रिक्वेंसी अलग हो जाता है, क्योंकि लॉट का भी फ़र्क पड़ता है कि हर लॉट का जो फ्रिक्वेंसी होता है वो अलग अलग हो जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आप सेम ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं फिर भी फ्रिक्वेंसी अलग हो ही जाएगा, इसलिए दोस्तों जब आप ट्रांजिस्टर को चेंज करें तो हो सके कि पूरे ट्रांजिस्टर आप एक लॉट का लगाएं, तो आपके कस्टमर जो है आपसे बिल्कुल सेटिस्फाइड रहेगा और कस्टमर का जो एम्पलीफायर है जैसे चलता था, जैसे न्यू एम्पलीफायर लेकर आया था और सही चलेगा, कोई भी दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी, ना आपके पास कोई शिकायत आएगा। शिकायत आने का रीज़न ये होता है कि हम ट्रांजिस्टर एक ख़राब होता है एक ही चेंज कर देते हैं, जिसके कारण कुछ दिन के बाद फिर दूसरा कोई ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है। दोनों ट्रांजिस्टर अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, जिसकी वजह से कोई ट्रांजिस्टर ज़्यादा हीट होगा कोई कम हीट होता है, इसलिए हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है कोई दूसरा ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाता है ख़राब हो जाता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप ट्रांजिस्टर को चेंज करें तो एक ही लॉट का और एक ही वैल्यू के ट्रांजिस्टर लगाएं, तो एम्पलीफायर आपका सही चलेगा, कोई भी दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों अगर आपको रिपेयरिंग में कोई दिक्कत होता है तो परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको वीडियो बनाकर ज़रूर देंगे। दोस्तों अगर आप पर्सनल हेल्प चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा बंदा सिखाने के लिए मिले जो स्टेप बाय स्टेप आपको रिपेयरिंग करना सिखाए, तो आप हमारे ज्वाइन बटन में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और हमारे मेंबर बन सकते हैं, वहां से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी भी कंपनी के एम्पलीफायर के बारे में जानना तो आप हमें कमेंट करके बताएँ, तो उसके ऊपर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों ऐसे में रोज़ लाइव आता हूँ 9:15 बजे 9:30 बजे या 9:30 बजे, लेकिन दोस्तों आप कुछ दिक्कत हो रहा है जिसके कारण मैं सोचता हूँ कि इस लाइव को 11 या 11:30 बजे कर दूँ, तो आपका राय क्या है आप कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है दोस्तों, लाइव में आप लोग ज़रूर जुड़ा कीजिए, उसमें जो भी आप लोगों का क्वेश्चन होता है तो आप उसमें लिखें ताकि मैं आपको जवाब दूँ, और जो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो उसको मैं वीडियो के थ्रू आप लोग को बताता हूँ। क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था तो उस दिन जो हम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो लाइव के अंदर कुछ दिक्कत होने के कारण मैंने अपने लाइव स्ट्रीम को वहीं पर एंड कर दिया। उस भाई के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, वो वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगा। उस भाई का सवाल यह था कि जो ऑडियो इंटरफेस होता है वो किस काम के लिए आता है और वो ऑडियो इंटरफेस कैसे काम करता है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल और पूरी जानकारी हमने दिया है। तो अगर आप चाहते हैं क्या ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल को दबा लीजिए और बेल को ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।